सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi guys, my name is Nikhil and welcome to Find Easy. I'm back with another some video. और आज मैं फेस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉड्यूलेशन बारे में बात करने वाला हूँ। मॉड्यूलेशन जो है बेसिकली वो एक सिग्नल कैरियर होता है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो जो मॉड्यूलेशन है हमेशा से कन्फ्यूजन करता रहा है। मुझे याद है जब मैं क्लास 12th में था तो जो मॉड्यूलेशन है जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है वो हमेशा लास्ट में रखा गया है फिजिक्स से, तो बच्चे उतना ध्यान देते नहीं थे इस पे। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि मॉड्यूलेशन क्या है और इसका क्या वर्क है। सो कीप ऑन दिस वीडियो, माय नेम इज निखिल एंड वाचिंग फॉर दिस। सो लेट्स द इंफॉर्मेशन बिगिन। सो गाइस, मॉड्यूलेशन को समझने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा जिसके थ्रू आप सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एंटेना क्या है, एम्पलीफायर क्या है, ट्रांसमीटर क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, सिग्नल क्या है, सब कुछ इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। अब मेरा ये बताना है कि जब मैं क्लास 12th में था तो जो मेरे क्लासमेट्स थे वो कभी कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो एक थियोरेटिकल पार्ट है और फिर इसका थियोरेटिकल पार्ट का कोई काम नहीं है। तो वो हमें एग्जाम टाइम में थोड़ा सा पढ़ लेते थे इसको, तो वो कभी इसको पढ़ते नहीं थे। लेकिन मेरा मानना है कि फिजिक्स जो है वो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल से मिलकर बना है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ थ्योरेटिकल बेस्ट है या फिर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ न्यूमेरिकली बेस्ट है फिजिक्स में। तो फिजिक्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल पार्ट। तो आप किसी एक को तो नहीं कह सकते कि हाँ ये अच्छा है या फिर ये अच्छा नहीं है। अगर आपको याद होगा तो 19th सेंचुरी में जितने भी साइंटिस्ट आए हुए थे उन्होंने जब अपना कॉन्सेप्ट दिया फिजिक्स को लेके तो वो सब थ्योरेटिकल वे में ही थी और बहुत कम लोगों ने न्यूमेरिकल का यूज़ किया था। तो थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है फिजिक्स के लिए हमेशा से। तो अगर आपको मॉड्यूलेशन समझना है तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उससे आपको मॉड्यूलेशन बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए मैं एक बिल्डिंग पर खड़ा हूँ जिस बिल्डिंग का नाम है ए और काफ़ी ऊँची बिल्डिंग है, और मेरे से 200 मीटर एक दूसरी बिल्डिंग है जिसका बिल्डिंग का नाम है बी, और मैं एकदम टॉप पे खड़ा हुआ हूँ बिल्डिंग के, बिल्डिंग एक टॉप पे खड़ा हुआ हूँ और 150 से 200 अप्रॉक्सीमेटली मीटर दूर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है बी। और मुझे बोला गया है कि एक पेपर का पीस है छोटा सा, उसको ए बिल्डिंग से लेके बी बिल्डिंग पे ट्रांसफर करना है, मतलब फेंकना है कि बी बिल्डिंग पे जाए। अब ये तो इम्पॉसिबल है कि एक पेपर का पीस, अब मुझे पता है कि पेपर का पीस बहुत लाइट वेट होता है और ये इम्पॉसिबल होगा कि आप यहाँ से फेंकिए किसी भी पेपर को पीस को और वो भी 200 मीटर चला जाए दूसरे बिल्डिंग पे, और वहाँ पे पता है आपको कि एयर रेजिस्टेंस भी होगा बहुत सारा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो हमें अगर उस साइड ले जाना है इसको तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि मैं एक स्टूल लूँगा एक स्पेसिफिक वेट का और उसको मैं रैप कर दूंगा उस पेपर से, उसको करने के बाद तब मैं फेंकूंगा उसको। तो काफ़ी इजीली हम उसको 150 मीटर या 100 मीटर फेंक सकते हैं दूसरे बिल्डिंग पे अगर आप पेपर के थ्रू फेंकेंगे। तो मेरा ये एग्जांपल बताने का इसलिए था कि मैं इसलिए एग्जांपल को बताया क्योंकि अब इसी एग्जांपल के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आने वाला है कि क्या होता है एंटेना, क्या होता है रिसीवर, क्या होता है ट्रांसमीटर, क्या होता है सिग्नल, क्या होता है एम्पलीफायर, क्या होता है मॉड्यूलेशन। तो जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ, सपोज मैं खड़ा था ए बिल्डिंग पे, तो वो जो बिल्डिंग है वो हो जाएगा ट्रांसमीटर, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो सिग्नल जो है रिलीज कर रहा है। ट्रांसमीटर ऑलवेज रिलीजेस द सिग्नल, और यहाँ पे क्या है पेपर का जो पीस है वो है सिग्नल। तो जो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो वहां पे ही पेपर का पीस है, मतलब वो ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल जो है वो रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे जो पेपर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्नल, और मेरे और वो जो स्टोन है वो स्टोन क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा मॉड्यूलेशन, और जो बिल्डिंग बी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रिसीवर। अब यहाँ एम्पलीफायर क्या हुआ कि मैंने जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, मैंने सिग्नल से मैंने फेंका उसको, तो जो मैंने वो स्ट्रेंथ दिया उस स्टोन के साथ उस पीस ऑफ पेपर को, वो हो जाएगा एम्पलीफायर। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कैसे कि जो मॉड्यूलेशन होता है वो क्या होता है सिग्नल कैरियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पेपर का पीस है स्टोन का हेल्प लेना पड़ा, तो स्टोन क्या किया वो एक कैरियर प्रोवाइड किया उस सिग्नल को कि वो ए बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जा सके, मतलब वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जा सके। तो
इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूलेशन और ट्रांस में आ गया होगा एक बहुत ही इजी एग्जांपल से। और अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिलीज हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि एक ही एंटेना में आपको रिसीवर जाएगा और ट्रांसमीटर भी मिल जाएगा, वो सिग्नल रिसीव भी करता है और सिग्नल ट्रांसमिट भी करता है। तो हमारे जो एटमोसफियर में है कई सारे अलग अलग वैल्यू के फ्रिक्वेंसीज जो है वो हमेशा रहती हैं, तो जो रिसीवर्स होता है वो एक स्पेसिफिक रिसीवर जैसे बनाया गया है तो वो कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज को ही कैच करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का यही काम है कि वो सिर्फ फ्रिक्वेंसीज, यहाँ पे रिसीवर का यही काम है कि सिर्फ वो फ्रिक्वेंसीज रिलीज एक्सेप्ट करता है, और जो ट्रांसमीटर है वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी रिलीज करता है एक पर्टिकुलर वैल्यू की। तो अगर मुझे जैसे अगर मैं टेलीविजन देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, तो टीवी में आप देखते हैं कई कई चैनल, जी टीवी, स्टार प्लस, ये सब अलग अलग चैनल्स हैं, तो इन सब का जो चैनल का एक फ्रिक्वेंसी जो है वो फिक्स किया गया है। तो जैसे ही मैं जी टीवी लगाता हूँ तो उस लेवल का, उस वैल्यू की जो फ्रिक्वेंसी है वो तुरंत रिसीवर कैच करती है जो ऊपर एंटीना लगा हुआ है और मुझे जी टीवी दिखाती है। तो ऐसे ही सब कुछ वर्क करता है, सारे फ्रिक्वेंसीज का ही खेल है। तो यही था बहुत बेसिक सा कि मॉड्यूलेशन क्या है, और मैंने थोड़ा सा इसको और बता दिया इसको कैसे और फ्रिक्वेंसीज पे कैसे काम करता है कोच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई नेम इज निखिल एंड वॉचिंग फाइंड इजी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड डू कमेंट्स। मीट मी इन माई नेक्स्ट वीडियो।